अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। आज हमारा प्री प्राइमरी टू इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। ओपन योर बुक्स एंड से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रेस द पैटर्न्स। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जब अपना वर्क स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपना पैटर्न्स को यानी ड्रा करेंगे ताकि हमें रिटन प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, तो हम फर्स्ट पेज कर चुके हैं। ये हमारा प्रीवियस जो था हाफ पेज हमने कल किया था, आज हम लोग ये नेक्स्ट फोर लाइंस इनको ट्रेस करेंगे। ठीक है, लुक द पैटर्न्स केयरफुली, स्टार्ट फ्रॉम द डॉट, शार्प योर पेंसिल्स एंड वॉश योर हैंड्स, then start our work. okay, trace on the dots. okay students, follow the dots. ठीक है, patterns में जब आपने काम करना है slow करना है और dots को follow करना है, जल्दी जल्दी नहीं work करना है, इसको finish करने की कोशिश नहीं करनी, ना ही इसको burden समझना है, बल्कि आप लोग इसको आपका ये work ही है, book पे ऊपर है तो इसका मतलब है ये आपका work है और उसका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने पैटर्न्स को ड्रॉ करना है, सही तरीके से लाइंस को फॉलो करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको फिनिश करने की कोशिश नहीं करनी, इसलिए टीचर आपको डेली फोर लाइंस करवा रही हैं ताकि आप अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट, दिस इज ख, दिस इज ख, ख, ख। ओके, लुक केयरफुली, ट्रेस ख एंड फॉलो द लाइंस। ठीक है, ख देखें, ये ख बना हुआ है, इसी तरह से आपने इसको ट्रेस कर लेना है, दिस इज। ठीक है, अब ये है, ये भी ख की तरह है लेकिन ये भी एक पैटर्न है। ठीक है, आपने इनको अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेना है फुल लाइन। ठीक है, टीचर फुल लाइन नहीं बता रही है आपको, लेकिन आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, दिस इज ओ, और राउंड है ना, राउंड है ये। ठीक है, आईज और हैंड की कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, आप लोगों ने इसको फॉर्मेशन अच्छे तरीके से करनी है, इससे आपको पता चल रहा है कि आपकी आईज और हैंड्स एक दूसरे से कितना कनेक्ट है। ठीक है, फॉर्मेशन आपने अच्छे तरीके से फॉलो करनी है। ठीक है, दिस इज टुडेज वर्क, टुडेज पैटर्न्स। ठीक है, इसको आप लोगों ने ऐसे ही ट्रेस, और आपने जब भी पेंसिल्स से वर्क स्टार्ट करना है तो आप कोशिश करें कि पहले आप लोग अपने फिंगर्स को यूज़ करें। ठीक है, किसी भी पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी साउंड को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ओके, नाउ ये आप लोगों का पेज फिनिश हो गया, गो टू योर नेक्स्ट पेजेस। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस वर्क था, इसको हम एंड में मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, तो आज हमारा जो वर्क है वो हमारा ये है, इस पेज पे, पेज नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, लुक केयरफुली, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज अवर प्रीवियस वर्क। ठीक है, कल हम इस पेज को, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है तो हम इसको पहले रीड करेंगे। ठीक है, दिस इज बर्ड, 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 दिस इज ब्रेड, 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 दिस इज बुक, 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 बुक। ठीक है, ये हम लोगों ने जस्ट क्रिएट किया, एंड विच साउंड इज दिस, ब, विच साउंड इज दिस, ब, ब, बर्ड, ब, बर्ड, ब, बर्ड, ब, ब्रेड, ब, ब्रेड, ब, ब्रेड, ब, बुक, ब, बुक, ब, बुक। ओके, एंड नाउ प्लीज़ टेल मी, कैसे, कोई आप लोगों को कल बताया था हम लोगों ने साउंड की आइडेंटिफिकेशन की,
पिक्चर्स की आइडेंटिफिकेशन की, और साथ में हम लोगों ने एक और चीज़ की थी, बिगनिंग साउंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिगनिंग साउंड. ठीक है, लाइक दिस, दिस इज अ बर्ड एंड वट इज द बिगनिंग साउंड ऑफ बर्ड, ब. गुड, वेल डन, वेरी गुड. वट इज द बिगनिंग साउंड ऑफ बर्ड, ब. दिस इज ब. वट इज दिस, ब्रेड. एंड वट इज द बिगनिंग साउंड ऑफ ब्रेड, ब. यस, गुड, वेल डन, ब्रेड, ब, ब्रेड. वट इज दिस, बुक. गुड. एंड वट इज द बिगनिंग साउंड ऑफ बुक, ब. वट इज द बिगनिंग साउंड ऑफ बुक, ब. ठीक है, ये हम लोगों ने रिवाइज किया. कल हम लोगों ने थ्री चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन की थी. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू ट्रेसिंग एंड ट्रेस द ब. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू सम एक्टिविटीज विद यू, हाउ टू ट्रेस ब. ओके, लेट्स सी. ओके स्टूडेंट्स, लुक केयरफुली. हम लोगों ने जब भी कोई भी साउंड स्टार्ट करना है तो आपने फ़ौरन से पेंसिल नहीं उठा लेनी और उसको ट्रेस करना नहीं शुरू कर देना, राइट नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है जो टीचर बता रही हैं, फिर आप लोगों ने उसको उसके रिटर्न पे या उसकी ट्रेसिंग पे आना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी स्टार्ट ट्रेस, वी विल स्टार्ट विद आवर फिंगर्स. ठीक है, यूज़ योर टू फिंगर्स, जॉइंट टू फिंगर्स एंड trace b, and also rhyme, read the rhyme. What is the rhyme of b? Start from the dot. B is down, and down, go up, then turn around. This is b. Read again, join your two fingers and trace b. B is down, and down, go up, then turn around. ये आप लोगों को हेल्प करेगा फॉर्मेशन में, कि आप लोगों की फॉर्मेशन कैसी है, ब को कैसे ट्रेस करते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो लुक केयरफुली हाउ आई एम ट्रेस ब ऑन द टेबल, लाइक दिस. ब इज डाउन एंड डाउन, गो अप, देन टर्न अराउंड. दिस इज ब. बेटा आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि आप लोगों को ब की राइम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको फॉर्मेशन पता होना चाहिए. ठीक है, फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से आ जाएगी तो आपको राइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बोलने की. ब इज डाउन एंड डाउन, गो अप, देन टर्न अराउंड. दिस इज ब. ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को मैं सेंट्रे एक्टिविटी करवाती हूँ, जिसमें आप लोग ट्रेस करेंगे ब को. ये हमारे 2, 3, 4 स्टेप्स हैं जिनको हम ट्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, ताकि आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन अच्छे तरीके से हो जाए. Look carefully how I am tracing b in a sand. ठीक है, तो आप लोगों ने इसे सेंट्रे ले लेनी है. ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है, कुछ बच्चे वर्क सेंड कर रहे हैं. गुड बेटा, जिन बच्चों ने इसको फॉलो किया है, जो बच्चे टीचर की चीज़ जो बता रही हैं उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो उनका रिजल्ट बाकी बच्चों से बेटर होगा. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन तो हो जाएगी लेकिन उसको आप यानी बहुत अच्छे तरीके से होगी, और आपको जो इस चीज़ को फॉलो करेंगे उनको कभी ये चीज़ भूलेगी नहीं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट फ्रॉम द डॉट. ठीक है, एंड रीड द राइम. लुक केयरफुली, ब इज डाउन एंड डाउन, गो अप, देन टर्न अराउंड. ठीक है, दिस इज ब. ब इज डाउन एंड डाउन, गो अप, देन टर्न अराउंड. ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इसको 2, 3, 4 टाइम्स, जब तक आप लोगों को अच्छे तरीके से याद नहीं हो जाता आप इसको कोशिश करते रहें. ठीक है, ब इज डाउन एंड डाउन, गो अप, देन टर्न अराउंड. ब. इसके साथ ही आप लोगों को जो प्रीवियस आपके साउंड्स टीचर ने करवा दिए हैं उनको भी साथ साथ बेटा प्रैक्टिस करनी है. ये नहीं कि जो आप टीचर ने आपको बता दिया आप बस आ जाइए ब ही करेंगे, नहीं, बल्कि आपने प्रीवियस आपने हमने ए रीड किया था तो आपने ए को भी साथ ही इसके सेंटर में उसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, ओके, तो ये हमारी एक्टिविटी थी ट्रेसिंग की विद फिंगर्स. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद पेंसिल. ठीक है, लुक एट द बोर्ड प्लीज. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज. ओके, लाइक दिस, विच मंथ इज गोइंग ऑन, मई 28,
2021 and which one day is today? Friday. Yes, well done. Friday. Okay? And today's topic is verb. Let's start. First of all, please tell me, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये हमारे पास फोर लाइंस हैं, तो फोर लाइंस में हमारी जो टॉप थ्री लाइंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्काई लाइंस. ठीक है, स्काई लाइंस. टॉप थ्री लाइंस हमारी स्काई लाइंस होंगी. ठीक है, और ये जो हमारी बॉटम थ्री लाइंस हैं, वन टू थ्री, ये आप देख लें, यहाँ से बॉटम से हमारे पास नीचे से जो थ्री लाइंस आ रही हैं, वन टू थ्री, ये होंगी हमारी रूट लाइंस. बेटा ये चीज़ें जो टीचर आपको बता रही हैं ये आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, ये आपको राइटिंग में बहुत हेल्प करती है. और जो हमारी हैं ये टॉप थ्री मिडल टू लाइंस, ठीक है, लाइक दिस, ये मिडल टू लाइंस हमारे पास हैं, इनको हम कहेंगे ग्रास लाइंस. ग्रास लाइंस, ठीक है. तो अब हमारे पास फर्स्ट हमारा जो ए लेटर था वो हमारा क्या था? ग्रास लेटर था. ठीक है, और आज हम जो अपना लेटर करने जा रहे हैं दिस इज ब, एंड आप लोगों को देखने से पता चल रहा होगा कि हमारा ये कौन सा लेटर है. लुक केयरफुली, और ये हमारे अपर थ्री लाइंस पे राइट हुआ हुआ है. इट मींस ये कौन सा हमारा लेटर है? स्काई लेटर. ठीक है, यस गुड, स्काई लेटर अपर थ्री लाइंस पे राइट होगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. स्टार्ट फ्रॉम द डॉट. ओके स्टूडेंट्स, लुक केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रेस ऑन द डॉट्स. ठीक है, और यूज द राइम. ओके, स्टार्ट फ्रॉम द डॉट. ये हमारे अपर सबसे ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट होगा. ठीक है, ब इज डाउन एंड डाउन, गो अप देन टर्न अराउंड, दिस इज ब. लुक अगेन, ब इज डाउन एंड डाउन, गो अप देन टर्न अराउंड, दिस इज ब. ठीक है, लुक अगेन, ब इज डाउन एंड डाउन, गो अप देन टर्न अराउंड, दिस इज ब. बेटा ये जो ब है और ड, ये हमारे पास ड नेक्स्ट साउंड आएगा. आप जो कि प्री टू में हैं आपको पता है कि आप ब और ड दोनों पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये बहुत ही केयरफुली आप लोगों ने ये ब और ड की आइडेंटिफिकेशन करनी है, क्योंकि अगर ये मिस्टेक आपने इसको अच्छी तरीके से ना समझा तो ये बच्चों में ये मिस्टेक मैट्रिक तक जाती है. ठीक है, बहुत बड़े बड़े बच्चे भी इसमें मिस्टेक ब और ड में कर देते हैं. तो जब आप राइम को फॉलो करेंगे आपकी कभी भी ये मिस्टेक नहीं होगी, अभी सही हो जाएगी. ठीक है, फिर आपको कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी. तो आप ब और ड को तो बहुत ध्यान से ट्रेस करना है. ठीक है, दिस इज ब. हाउ टू ट्रेस ब में क्या होता है? पहले हम डाउन जाते हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. ब में हम पहले डाउन जाते हैं, फिर हम इसको टर्न करते हैं ऐसे. ठीक है, ब में हमेशा हम पहले डाउन जाते हैं फिर टर्न करते हैं. जब हम ड पे जाएंगे वहाँ आप देखना उसको कैसे करते हैं. ये रूल्स आप लोगों ने याद रखने हैं. ब, ये राइम आपको इसलिए करवाई जाती है बेटा, ब इज डाउन एंड डाउन, गो अप देन टर्न अराउंड, दिस इज ब. तो आप लोगों ने ऐसे ब को ट्रेस कर लेना है. ठीक है, तो बेटा इसमें मैंने आप लोगों को टू रूल्स बताए. ठीक है, आपने इस लाइंस का याद रखना है और साथ में आपने इसकी राइम के थ्रू इसको राइट करना है. ठीक है, लाइंस का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है. तो ये मैंने आपको बोर्ड पर प्रैक्टिस करवाई है. नाउ ओपन योर बुक्स एंड ट्रेस ब विद मी. ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो बुक पे वर्क करना है आपके पास ये टू लाइंस दी हुई हैं. ठीक है, ट्रेसिंग के लिए आपने सेल्फ पे अभी नहीं आना. ठीक है, सेल्फ पे कुछ बच्चे जो हैं वो टीचर प्रीवियस काम करवा रहे होते हैं और कुछ बच्चे आगे से भी काम भेज रहे होते हैं. ऐसे नहीं करना बेटा, आपने जल्दी जल्दी बिल्कुल कोई काम नहीं करना. आपने जितना टीचर काम आपको बता रही हैं आपने उतना ही उसको करके तो क्लास टीचर को चेक करवाना है. ठीक है,
क्योंकि आपकी बाकी बुक्स का भी वर्क होता है, फिर आप एक बुक पे काम करके थक जाते हैं और फिर नेक्स्ट बुक्स पे आप फिर अच्छा वर्क नहीं करते। तो आपको जितना थोड़ा काम बता रही हैं टीचर, स्लो करें और नीट एंड क्लीन करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल शार्प योर पेंसिल्स, वॉश योर हैंड्स, देन स्टार्ट योर वर्क, ओके। बुक फोल्ड नहीं करनी, जैसे टीचर ने रखी हुई है बुक वैसे ही रखनी है, ठीक है। ओके स्टार्ट, स्टार्ट फ्रॉम द डॉट एंड फॉलो द लाइन्स। बॉयज डाउन एंड डाउन, गो अप देन टर्न अराउंड। हाउ टू ट्रेस बर, लुक केयरफुली। बॉयज डाउन एंड डाउन, गो अप देन टर्न अराउंड। लाइन्स, ठीक है, लाइन्स इसलिए दी गई हैं ताकि आप उनको फॉलो करें। लाइन्स से ऊपर नीचे कोई आपने साउंड नहीं करना, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द डॉट, बॉयज डाउन एंड डाउन, गो अप देन टर्न अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट, बॉयज डाउन एंड डाउन, गो अप देन टर्न अराउंड। ब, बॉयज डाउन एंड डाउन, गो अप देन टर्न अराउंड। ब, अब आपको जितनी टीचर प्रैक्टिस करवा रही हैं, वॉइस रो इज फुल। बॉयज डाउन एंड डाउन, गो अप देन टर्न अराउंड। ब, नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, ठीक है। अब इसको हम करेंगे, बॉयज डाउन एंड डाउन, गो अप देन टर्न अराउंड। ब, ठीक है, लुक केयरफुली, डॉट्स को आपने फॉलो करना है, ठीक है। बॉयज डाउन एंड डाउन, गो अप देन टर्न अराउंड। ये देखें, डॉट से टीचर का थोड़ा सा उतर गया है, आपने इसको रेज करना है, ठीक है। एंड राइट अगेन, ट्रेस अगेन, ठीक है, लाइक दिस। बॉयज डाउन एंड डाउन, गो अप देन टर्न अराउंड। बॉयज डाउन एंड डाउन, गो अप देन टर्न अराउंड। ब, बॉयज डाउन एंड डाउन, गो अप देन टर्न अराउंड। ब, बॉयज डाउन एंड डाउन, गो अप देन टर्न अराउंड, दिस इज ब। तो आप लोगों ने आज ये टू लाइंस करनी है, ठीक है। आपका ये वर्क फिनिश हो गया, तो आप लोगों ने यहाँ अपनी डेट मेंशन करनी है आज, ठीक है, 28/5, ये आप लोगों की डेट है, और ये आप लोगों ने टू लाइंस यहाँ फिनिश कर देना वर्क अपना, ठीक है। तो आज आप लोगों ने जो बच्चे बेटा वर्क सेंड नहीं कर रहे, उनके एब्सेंट मार्क हो रही है ग्रुप में, ठीक है, ये आप लोग याद रखें। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप टीचर को बताएं, बुक्स का कोई इश्यू है तो टीचर को पता हो कि आप लोगों, यानी जब बुक्स आएंगी या आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपके पास यानी बुक्स नहीं है तो आप कम अज़ कम वीडियोज़ देखें, ताकि आपको यहीं से देख के, जैसे जस्ट टीचर करवा रही हैं, रिटर्न करवा रही हैं, वो आप लोगों को याद होता रहे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा, फिर जब आपकी बुक्स आएंगी तो आप उस पर वर्क करना शुरू कर दें, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना बिल्कुल ही आप गायब हो जाएं व्हाट्सएप ग्रुप से, बल्कि आप अटेंडेंस शो करें, टीचर को बताएं कि मैंने ये वर्क किया है, ठीक है, और मैंने याद भी किया है बुक्स या वीडियो भी देखी है, ठीक है। तो आज आप लोगों ने जो वर्क करना है आपका ये है, ये पेज है, ठीक है। साथ में आपको टीचर ने एक्टिविटी करवाई, वो आप लोगों ने करनी है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लेक्चर के लास्ट में अपना प्रीवियस वर्क थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो नाउ लुक एट द योर फर्स्ट पेज, ठीक है, एंड रिवाइज विद मी। 2 से 3 टाइम आप लोग रिवाइज करेंगे तो आप डेली, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रीवियस वर्क भी याद होता जाएगा। विच साउंड इज दिस, एक्स एक्स एक्स, a ant, a ant, a ant, a apple, a
एप्पल ए एप्पल एंड दिस इज ए व्हाट इज द राइम ऑफ ए मेक गो अप कम डाउन ए ठीक है एंड दिस इज एक्स व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ एक्स ए दिस इज एंट व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ एंट ए दिस इज एप्पल व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ एप्पल ए गुड एंड दिस इज ए तो आप लोगों ने इसको ऐसे रिवाइज करना है डेली बिगिनिंग साउंड के साथ कुछ पेरेंट्स कह रहे थे कि यहाँ पे एंट की जगह हमारा एरोप्लेन बना हुआ तो इट्स नॉट एनी टेंशन ठीक है आप आपके पास अगर यहाँ पे एरोप्लेन है तो कोई बात नहीं आप एरोप्लेन में बच्चे को यानी उसकी आइडेंटिफिकेशन दे दें और उसमें कलर करवा दें अगर एंट है तो एंट है ठीक है इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ठीक है तो ये आप लोगों का प्रीवियस वर्क था हम लोगों ने रिवाइज के लिए अब आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे अपना वर्क सेंड करें डेली ठीक है ओके टेक केयर अल्लाह हाफिज़।